लोगों की हत्याएं की गई हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। पत्रकार के पेशे से जुड़े हुए बहुत सारे पत्रकारों को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, बहुत सारे लोगों को अपनी जो शिक्षा के भीतर अपना नौकरी कर रहे हैं वो गंवाना पड़ा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि खामोशी है, जनता के भीतर भी एक आवाज़ है, लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग सवालों को लेकर के एकजुट हो रहे हैं। जैसे मैं बिहार आया तो आदिवासियों की एक रैली में शिरकत किया सीमांचल के इलाके में, वहाँ आदिवासियों ने अपने हक और अधिकार की बात की, वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो ज़मीन है जिसका पट्टा उनको मिला हुआ है उस पट्टे को कैंसिल करके ज़बरदस्ती दबंग जो है उनके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि समाज के किसी भी समुदाय के लोग आज खामोश हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। नेता चुप हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टी चुप हो सकती है, लेकिन जनता अपने हक और अधिकार को लेकर के चुप नहीं रहती है, और हमको अपना अपनी आवाज़ जो है जनता की आवाज़ के साथ मिलाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। सीबीआई कभी कांग्रेस को आरजेडी को भ्रष्ट पार्टी करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त बताती है, क्या भ्रष्टाचार से समझौता करने की पार्टी? देखिए मैं शुरू से ही ये बात कह रहा हूँ कि ये रैली किसी एक पार्टी का कैरियर बनाने के लिए नहीं है, या फिर किसी एक पार्टी को बस हरा देने का मामला नहीं है। इस मुद्दे के भीतर जब हम कहते हैं कि भाजपा हराओ और देश बचाओ, तो देश बचाने का क्या मतलब है? देश बचाने का मतलब ये है कि जब लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा, संवैधानिक आधार पर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था काम करेगी, जो हमारे अलग अलग तरीके के लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं जिसको हम न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया को भी चौथा स्तंभ माना जा रहा है, ये सभी स्तंभ कारगर तरीके से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार, गरीबी, जितने भी तरीके के हम सवाल उठाते हैं उन सवालों पे कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं होगी। उस पे मुकम्मल कार्रवाई होने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे का बना रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जब भी कोई घटना होती है तो लोग यह उम्मीद करते हैं कि यदि सीबीआई जांच होगा तो सही तरीके से तथ्य सामने आएंगे। आज सीबीआई के भीतर ही जो हो रहा है उसको हमको समझना पड़ेगा, इस देश के भीतर पिछले 4.5 सालों में क्या हुआ है, किस तरीके से जिम्मेदार पद पे रहते हुए हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहे हैं, और एक एक करके बारी बारी से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया है। मसलन अगर हम मीडिया से शुरू करें तो जिस तरीके से गौरी लंकेश की हत्या हुई और पूरे के पूरे पत्रकार समूह को विभाजित करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से बोलने वाले जो पत्रकार हैं उनको नौकरियों से बाहर किया गया या ये निर्देश दिया गया कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तो ये हमारे लोकतंत्र पे हमला है। जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के 4 जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये हमारी न्यायपालिका की स्थिति को दिखाता है। मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई आरोप है, मैं एक्यूज्ड हूँ, लेकिन हम जब न्यायालय के परिसर में हैं तो गुंडे वकील का कपड़ा पहन करके न्यायालय परिसर में अगर किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे तंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है। आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग डेट घोषित करती है, सेल के जो अध्यक्ष हैं वो डेट बता देते हैं, फिर चुनाव आयोग बताता है कि ये डेट होगा। ये चुनाव आयोग को कमज़ोर करना है। अभी 5 राज्यों का चुनाव था और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की रैली होनी थी, उनकी रैली जब समाप्त हो गई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आप सीबीआई की स्थिति को देख लीजिए कि किस तरीके से सीबीआई के भीतर ही जो ऑफिसर्स हैं मनपसंद ऑफिसर्स उनको बचाने का सरकार प्रयास कर रही है, किस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है उसको ना ठेका दे करके अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, और अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका क्यों दिया जा रहा है जबकि उनके पास 45,000 करोड़ से ज़्यादा का NPA है। मुझे इसके बारे में स्पष्ट तथ्य नहीं मालूम है, लेकिन यह बात आज मीडिया में आई है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी के को सिनेमा बनाने के लिए उनका सिनेमा रिलीज करने के लिए इनके द्वारा फंडिंग किया जाता है, फिर इनको जो है राफेल का ठेका दिया जाता है, और जो लोग बोलने लिखने वाले हैं कुछ मीडिया संस्थान जो बोल रहे हैं उल्टे उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाता है, तो कैसे पत्रकारों को डराया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए कि रक्षा मंत्री देश की रक्षा के संबंध में कोई बयान नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं, वित्त मंत्री कभी भी वित्त मामलों के ऊपर नहीं बोलते हैं,
वो दूसरे मामलों पे बोल रहे होते हैं। गृह मंत्री जो है गृह मामलों पे नहीं बोलते हैं, वो किसी और मामलों पे बोल रहे होते हैं। ये जो पूरी की पूरी एक कुव्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के भीतर खड़ी की गई है, मैं समझता हूँ तमाम लोगों को, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ाव क्यों ना हो, लेकिन ये तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, उन संस्थाओं को हम मजबूत करें। क्योंकि लोकतंत्र जब रहेगा, चुनाव होगा, बहुदलीय प्रणाली होगी इस देश के भीतर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, तभी ये सवाल आप पूछ सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, और अलग अलग दल के लोग अपने मुद्दों पे संघर्ष करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जनता के सवालों को हल कर सकते हैं। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। एक एक करके प्रश्न पूछिए, मैं सबका जवाब। हाँ देखिए, मैं उम्मीद कर रहा है आपको रैली करने से या कहीं बात कौन लोग हमला कर रहे हैं और क्या बात हो सकती। देखिए सबसे पहली बात कि इसलिए मुझे पटना बहुत पसंद है, मैं अपनी तरफ से इस बात को इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि पटना के पत्रकार जरूर इस सवाल को पूछेंगे। आज भी सरकार इतना मजबूत नहीं हुई कि यहाँ के पत्रकारों को सवाल पूछने से मना कर दे। इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके संबंध में तथ्यात्मक चीज़ें लेकर के आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं रोहतास के प्रोग्राम से लौट रहा था तो हमारे एक साथी, आप में से बहुत सारे पत्रकार मित्र उनको जानते होंगे, सुशील जी, उनका ऑपरेशन हो रहा था एम्स के भीतर, ऑपरेशन हो गया और वो एडमिट थे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के वार्ड में। मुझे खबर मिली कि वो वहाँ पे हैं, मानवतावश मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे जा कर के मिलूँ, वो हमारे साथी हैं, मैं उनके पास पहुँचा। उसके बाद जो है एक डॉक्टर साहब आए और बोले कि आप इतनी की संख्या में यहाँ क्यों मौजूद हैं, और हमने कहा कि सर हम 2 मिनट में चले जाएंगे। इतनी ही हमारी उनसे बात हुई, और हमारे साथ जो पुलिस के गार्ड थे, बिहार पुलिस के जवान थे, उनको भी हमने कहा कि कोई बात नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। इस पर सुशील जी ने ही हमको वहाँ बताया कि जब से मैं एडमिट हुआ हूँ यहाँ पर, शुरू से ही कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं और उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। हमने कहा कि ऐसा क्यों है, बेवजह तो कोई किसी को कुछ करता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पटना के भीतर स्वास्थ्य के सवालों को पुरजोर और मुखर तरीके से उठाते रहे, इसीलिए भाजपा समर्थित या भाजपा इस बात की जानकारी नहीं है, कुछ डॉक्टर मेरे साथ शुरू से ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये साजिश क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर हमला किया गया, वो हमला करने वाले वकील नहीं थे, वकील के भेष में वो गुंडे थे, लेकिन उस हमले के साथ ही एक पूरे के पूरे वकालत के पेशे को बदनाम करने का प्रयास किया गया भाजपा के द्वारा अपनी राजनीतिक साजिश को अंजाम देने के लिए। ठीक उसकी पुनरावृत्ति होती है एम्स में, जब डॉक्टरों के नाम पर राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको चुप कराने का, उनके साथ बदतमीजी करने का और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करने का मामला सामने आता है। और ये मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, ये पटना एम्स का फेसबुक पेज है जिसपे स्टेटमेंट जो लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि एंटी नेशनल लीडर कन्हैया कुमार 100 लोगों के साथ एम्स परिसर में आए, डॉक्टरों के साथ मारपीट की, गार्ड के साथ मारपीट किया और बदतमीजी की। ये इनका फेसबुक पोस्ट कहता है जो 10 बजे आया है। यही बयान जो है आपको अगले दिन मंगल पांडे साहब का देखने को मिलेगा, जो कहते हैं कि कन्हैया कुमार गुंडागर्दी कर रहे हैं, एम्स के भीतर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। जाग गए मंगल पांडे जी, बहुत खुशी की बात है। कल बक्सर से एक व्यक्ति का पैर कट गया, वहाँ से खबर आई है, और कटा हुआ पैर कुत्ता लेकर के भाग गया। मंगल पांडे जी का कोई बयान आया है? मंगल पांडे जी चीख चीख करके बोल रहे थे दवा घोटाले के संबंध में कि सीबीआई जांच कराएंगे। खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, सरकार में भी हैं, कोई उन्होंने आदेश दिया है कि जांच होगा दवा घोटाले के संबंध में? सृजन घोटाले के संबंध में एक बात उन्होंने बोला है? नहीं बोला है। और अश्वनी पांडे, जिस डॉक्टर के नाम से FIR किया गया है,
ये जो पोस्ट लिख रहे हैं ये कि एंटी नेशनल लीडर कन्हैया कुमार ने मारपीट की, कुछ मीडिया हाउस के लोगों ने भी लिखा, और हम समझते हैं मैनेजमेंट का जो दबाव है, जिसका पैसा होगा उसकी बोली होगी, इसीलिए मुझे पत्रकारों से कोई शिकायत नहीं है। कुछ मीडिया हाउस भी लिख रहे हैं कि जा करके मारपीट की। अब जो फॉर्मल कंप्लेन हुआ है, उस कंप्लेन में जो बात लिखी गई है उसमें ये लिखा गया है कि कन्हैया कुमार और उनमीजी करना और किसी के साथ मारपीट करना, दोनों में फर्क होता है, अस्पताल में एमएलसी बनता है, किसका हम सर फोड़ दिए हैं और कौन सा डंडा लेकर के हम अस्पताल में घुसे हैं, तो अस्पताल तो कोई ऐसा कोई खुली जगह तो नहीं है, उसका परिसर है, गेट है, गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई फुटेज जारी किया गया है जिसमें हम मारपीट कर रहे हैं? एक फुटेज जो जारी किया गया है एम्स पटना के द्वारा ही, जिसमें हम कह रहे हैं कि सर हम दो मिनट में चले जाएंगे, बोलिए इससे भी ज़्यादा कोई विनम्रता अगर होती हो तो हम सीख लेंगे ये भाषा। यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि बिहार के भीतर जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है, जिस तरीके से आप पीएमसीएच की हालत देख लीजिए, वहाँ पे 8-10 मशीन हैं और तमाम अलग अलग चीज़ों का, आप कोई भी अल्ट्रासाउंड का मशीन ले लीजिए, एक्सरे का मशीन ले लीजिए, उसमें से 90% मशीन जो है वो बंद रहता है, वो काम नहीं करता है। मरीज को आप देखेंगे कि मरीज ही अपने हाथ में श्राइन का बोतल जो है वो पकड़े रहता है, सोने की जगह नहीं रहती। ये जो स्वास्थ्य की कुव्यवस्था है, इस पे स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान नहीं आता है, लेकिन कन्हैया कुमार पे उनका बयान तुरंत आता है। ये अपने आप में एक राजनीतिक साजिश है, और जिस तरीके से वकील का इस्तेमाल किया गया कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर हमला करने के लिए, जिस तरीके से वाइस चांसलर जैसे प्रतिष्ठित पद का इस्तेमाल किया गया हमारा पीएचडी रोकने के लिए, 2 बार हाईकोर्ट से केस लड़के हम अपनी पीएचडी को जमा किए हैं, लेकिन निर्देश था सरकार का कि इसकी पीएचडी नहीं जमा होनी चाहिए, तो केस में जो है हम बरी हैं, सरकार की तरफ से है कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, फिर भी इनकी भाषा रहती है कि हम एंटी नेशनल हैं, कोई आरोप पत्र नहीं है। वाइस चांसलर के द्वारा पीएचडी रोकने की कोशिश की गई, हाईकोर्ट से जीत करके हमने अपनी पीएचडी जमा कर ली है, और जब हम बिहार आए हैं तब ये मुझे नए तगमे से गढ़ना चाहते हैं, वो ये है कि हम गुंडा हैं, और ये भाषा है, किस आधार पर आप मुझे गुंडा कह रहे हैं? आप जो कहते हैं ना, जाके रही भावना जैसी, प्रभु देखाऊँ तीन मूर्त तैसी, जो खुद गुंडा रहते हैं उनको हर कोई गुंडा ही नज़र आता है। हक अधिकार के लिए जो हाथ उठता है, जो मुट्ठी भिची होती है, उसमें उनको गुंडागर्दी दिखता है। हम कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य के सवाल हैं उन सवालों को हम उठा रहे हैं, और डॉक्टर के सम्मान में खड़े हैं, उनके हक और अधिकार के सम्मान में भी खड़े हैं, लेकिन बेहद अफसोसजनक है कि डॉक्टर जैसे पेशे को और एम्स जैसी प्रतिष्ठित स्वायत्त शासी संस्थान का गैर जरूरी इस्तेमाल किया गया है भाजपा के द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों को शांत कराने के लिए। डॉक्टर से कहा था कि आपने ही दुर्व्यवहार किया है, क्या उन्हें दबाया गया? डॉक्टर देखिए, अब हम दुर्व्यवहार अगर किए होते ठीक है तो आपके सामने बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, और हमारे साथ इनका कैसा संबंध है इसको आप जानते हैं, तो ये हमको छोड़ दिए होते हम बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों का इसमें कोई दोष नहीं है, जो कुछ डॉक्टर या कुछ अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग आज एक शॉर्टकट तरीका अपनाए हैं कि सरकार के सामने लेट जाइए, जीवन में सब सुख प्राप्त हो जाएगा, वैसे लोगों के द्वारा और सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के द्वारा डॉक्टर और एम्स जैसे संस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया गया है अपनी राजनीति को साधने के लिए। अभी एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि उसके बाद भी आपके ऊपर हमले हुए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे पटना में जो है अपने साथी से मिलने के बाद मैं बेगूसराय चला गया, क्योंकि मुझे वहाँ भी अलग अलग जगह पर जनसभाएँ करनी थी इस रैली के संबंध में, तो मैं मंसूर चक की सभा से लौट रहा था रास्ते में, और यह बात मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, अगर यह बात गलत है तो वो हमारे ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोगों ने हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया, हमारे शीशे तोड़े, और एक गाड़ी जो पीछे छूट गई उसमें जो हमारे साथी बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट की गई, और इसका हमने फॉर्मल कंप्लेन कराया, काउंटर में उनके द्वारा एक कंप्लेन कराया गया है, जिसमें फिर से धर्म का, माँ दुर्गा का, ये उनको जो है एक राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हुई नज़र आई, लेकिन वो
तब और उनके भीतर बौखलाहट हुई जब उनको पता चला कि मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी भी तरीके की धार्मिकता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं, जो धर्मांधता है, उसका मैं मुखर विरोधी हूँ। और दोनों बात में फ़र्क होता है, किसी भी धार्मिक कुरीति का विरोध करने में और किसी का धर्म का विरोध करने में। भाजपा अलग अलग समय पे अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों का और लोगों की भावना और आस्था का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों को चुप कराना चाहती है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, सबसे पहले लोगों के भीतर जो देशभक्ति की भावना है, उस भावना को अपने पक्ष में करने के लिए एक नकली वीडियो के आधार पे पूरे के पूरे हमारे संस्थान को बदनाम किया गया। उसके बाद वकालत के पेशे को जो है बदनाम कराया गया। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उनके पेशे को बदनाम किया गया। और एकेडमिक परिसर की जो स्थिति होनी चाहिए उसको एक युद्ध के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सेना का इस्तेमाल किया गया। इस देश की सेना के प्रति लोगों की एक आस्था है, लोगों का एक प्रेम है, उसका इस्तेमाल किया गया। जब उनको पता चला कि हमारे घर में ही 16 लोग जो है फौज की नौकरी करते हैं, तो इनका यह दुष्प्रचार भी समाप्त हो गया। उसके बाद आखिर में इन्होंने जो हिंदू धर्म की भावना है, जो आस्था है, उसका इस्तेमाल करके मुझे हिंदू विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इस देश के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक परंपरा में भरोसा है, और इस देश का जो संविधान है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारत की धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म संभाव को मानती है, और जो भी लोग इन मूल्यों में भरोसा करते हैं, जो भी लोग जनभावनाओं को मानते हैं, जहाँ भी लोग जा रहे हैं, वहाँ यदि किसी को बुलाया जाता है, सार्वजनिक जीवन में रहने वाली व्यक्ति को उसे कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे व्यक्ति दीपावली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, बैसाखी भी मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे, ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की समझ है और ये किसी भी प्रकार के धर्म के विरोध में नहीं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए जो वादे उन्होंने किए थे कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, सबका साथ सबका विकास किया जाएगा इस देश में, मंसूर चकवाली घटना में कितने घंटे के बाद एक बार बोल दीजिए। तो हम आपके भी सवाल का जवाब, ये जो बेसिक इश्यूज हैं, अब आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश के लोगों के सामने जो उनके वाजिब सवाल हैं उनको गुमराह करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कल की बात मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अमित शाह जी का बर्थडे याद रहता है, लेकिन अशफाक उल्लाह खां का बर्थडे याद नहीं रहता है। ना कोई ट्वीट करते हैं, ना भाषण में बोलते हैं, कोई तरीके से जो है उनको वो उनका अभिनंदन वो नहीं करते हैं, उस शहीद को वो याद नहीं करते हैं, लेकिन अमित शाह को याद करते हैं, अमित शाह को हैप्पी बर्थडे देते हैं। और उनके सरकार के भीतर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। गुजरात में जिस तरीके से बिहार के लोगों के ऊपर हमले किए गए, उस पर प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आता है। ये जो स्थिति है उसमें हम यही समझ पा रहे हैं कि लोगों के असली सवाल को गुमराह करके जो नफरत की राजनीति है, जो बंटवारे का खेल है, इसको इस देश के भीतर खेला जा रहा है, और इस खेल को हम लोग मिल करके ही समाप्त कर सकते हैं। इस खेल में जो शामिल लोग हैं मिल करके ही उनको हरा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो 25 तारीख की रैली है उसको यूनिटी रैली का नाम दे रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कभी ने आपके काफी तारीफ की थी, आगे से मुझे दिक्कत होगी, वो आगे ही जवाब देंगे, जवाब हम आपको देख के देंगे। ये निधि जी ने आपकी काफी तारीफ की थी, आपका रेड कार्पेट वेलकम भी किया था उन्होंने, उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो क्या उनसे कोई आपकी बातचीत नहीं हुई है या इस संबंध में? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों ने भी JNU के आंदोलन के दौरान हम लोगों का, JNU का और उस संघर्ष का समर्थन किया, हम उन तमाम लोगों के प्रति शुक्रगुजार हैं। कल भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जो उन्होंने किया। लेकिन बिहार के भीतर जो चीज़ें हो रही हैं उस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के भीतर जिस तरीके से बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुए और उसमें जो विलम्ब हुआ, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और उस सवाल पर हम लोग सवाल पूछे, वो हमारे साथ
हमारे साथ थे, हमको मदद किए, हम जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर उनके राजकाज में भी कोई गलत चीज़ होगी तो हम सवाल पूछेंगे और हम लोग सवाल पूछें। लेकिन आप उसकी भी स्थिति देख लीजिए, जो जेडीयू से जुड़े हुए मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो जाता है, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनका इस्तीफा नहीं होता है। और रोज घटनाएं घट रही हैं। अभी लखीसराय के भीतर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जान बचा करके दूसरे के छत पे कूद गई, और उसमें जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने की जगह जो परिजन हैं उनके, उनको ही जेल में डाल दिया गया है इस आरोप में कि आप लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। तो यह जो बिहार के भीतर कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था पे हम सवाल पूछेंगे। और हम बार बार कहते हैं जो अच्छा काम नीतीश जी के द्वारा किया गया है उसका समर्थन भी करेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा भी करेंगे, और बार बार उनसे अपील करते रहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस मुहिम में हम हमेशा उनका स्वागत करने के लिए। जिस तरीके आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी वैसा काम कर रहा जो गैर संवैधानिक है, लेकिन आप पर तो चार्ज वही है, आपने एम्स में आकर के मारपीट की घटना हो पहले इनके सवाल का जवाब दे देते हैं। आपको उस घटना से आपकी कार्यशैली भी तो वही बाधित है, तो यही, यही। हम विवाद में नहीं हैं, सरकार हमको खींच कर विवाद में लाती है। मौका आप देते हैं और उसका मौका हम कैसे देते हैं? देखिए तो सब प्रमाण आपके सामने दे रहे हैं। आपको सबसे पहले कैसे जाना, कैसे वही तो पूछ रहे हैं ना, किसने जनवाया आपको, वो इन्होंने जनवाया कैसे? हाँ वही तो कह रहे ना, आप जी न्यूज से हैं? नहीं हम पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। लेकिन पत्रकारिता आज कैसे हो रही है, ये आपसे नहीं छुपी है ना हमसे छुपी हुई है? छुपी हुई है, नहीं छुपी हुई है ना? हेडलाइन कैसे बनता है, ये छुपा हुआ है? नहीं तो एक बार बताइए भैया, हम आपको कटिंग देते हैं कि यह जो बात है कि गुंडागर्दी की गई है, ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है जो छापा गया है, ठीक है, और यह जो है ये एम्स का बयान है, एंटी नेशनल लीडर कन्हैया, ये कौन होते हैं हमको ये बात कहने के लिए कि हम एंटी नेशनल हैं? वो कोर्ट हैं, जज हैं, पुलिस हैं, सीबीआई हैं, अनुसंधान किए हैं, मेरे ऊपर किसी न्यायालय का फैसला आया है, फिर यह बात कैसे बोली जाती है? और ये है आपको कंप्लेन की कॉपी, जिस कंप्लेन में कहा गया है कि बदतमीजी की गई है। बदतमीजी करने में और मारपीट करने में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? हेडलाइन लगाते हैं सर, आपके साथ बदतमीजी करेंगे और आप कह दीजिएगा हमारे साथ मत मारपीट करके सर फोड़ दिए, अलग अलग धारा लगता है ना। देखिए विवाद में इसलिए किसी व्यक्ति को लाया जाता है जो सवाल उठा रहा हो, ताकि उसके सवाल की प्रासंगिकता खत्म हो जाए, उसका सीरियसनेस चला जाए। यह बात अभी तक जो है किसी अंजाम पे नहीं पहुंचा है। मैं बार बार इस संबंध में बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं कि हमारी चर्चा हो रही है, घोषणा कर चुकी है सत्यनारायण जी, कल बोले जा रहे हैं, सत्यनारायण जी ने कल कहा कि आप लड़ेंगे चुनाव में गुजरात। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस बात पे कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, ना पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, ना जो है बिहार में अभी तक महागठबंधन की रूपरेखा तय हुई है। जब तक ये तय नहीं हो जाए तब तक हम आपको कोई और जवाब कैसे दे दें? अगर जब ये तय हो जाएगा हमारा आपकी इच्छा क्या है? अगर हो जाए तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, इसका क्या कहें है आपको? अगर आपको पार्टी टिकट देती है आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी हमको यूनानिमसली वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो उम्मीदवार बनाती है, और जो दूसरे राजनीतिक घटक दल हैं जिससे गठबंधन की बातचीत होती है उनकी भी पूर्ण सहमति होती है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे जब इस देश के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा है तो मैं चुनाव लड़ने से कैसे मना कर सकता हूँ? जी कहा जा रहा है नहीं, कन्हैया कुमार नहीं कर रहे हैं बाप, मैंने तो मतलब किसी का
मेहनत किसी किसी की टोपी पहन के अपने आप को सुभाष चंद्र समझ लें। देखिए तेजस्वी जी को भी आमंत्रण पार्टी के लोगों ने दिया है और उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि वो आएंगे। ठीक है, अब 25 तारीख ज़्यादा दिन तो है नहीं, मैंने हम ऐसा थोड़ी है मोदी जी की तरह कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो स्थिति दो दिन में स्पष्ट हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो पटना में होंगे तो वो भी आएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उनके कोई प्रतिनिधि जरूर आएंगे। नहीं, दो ही चेहरे नहीं हैं, और भी युवा चेहरा जो है उसमें शामिल होंगे। गुजरात के युवा विधायक जिग्नेश मेवानी भी इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, और भी युवा चेहरा वहाँ। कांग्रेस भी शामिल होगी इस रैली में? सभी पार्टियों को जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, राजग गठबंधन, उसको छोड़ करके सभी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, वो उसका कंप्लेन देखना पड़ेगा। भीतर ही हुआ, 10 घंटे के भीतर ही हुआ। खराब मेरे साथ वो कैसे होंगे, वो जो है कहीं और हैं, मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो खड़े हैं, लेकिन जो लड़ाई है अभी देखिए वो भी संविधान बचाओ न्याय यात्रा जो है निकाल रहे हैं। हम लोग भी जो है पिछले कई महीनों से संविधान बचाओ देश बचाओ जन संवाद कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में जाकर के, देश के अलग अलग हिस्सों में। तो मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को जोर करके पूरी की पूरी राजनीति को देखना यह एक गलत परिपाटी है। मुद्दों को आपस में जोड़ करके देखना चाहिए। मैं देखिए अगर ऐसा होता तो अब मैं भी ट्वीट कर दिया होता तो आपको मैं क्यों बुलाता। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मुखर तरीके से नहीं बोल रहा है, हो सकता है कि वो कहीं और व्यस्त हो। ठीक है, अगर वो नहीं बोल रहे हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो मंगल पांडे की भाषा बोल रहे हैं। ये तो बूस वाली भाषा हो गई ना कि हमारे साथ नहीं है तो लादेन के साथ है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको लग रहा है ना, हमको लग रहा है ना, उनको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। एक पेपर जैसा जारी दिखा दो, करवाइए दिखा दो, मैंने दिखाने के लिए एक्स्ट्रा फोटो का मैंने दोनों दिखा दिया। ये इधर सर, इधर मैंने तो कहा राजग गठबंधन को छोड़कर, अभी वो गठबंधन नहीं, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं कि जो भी दल अभी बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ, राज जी कल बोल रहा है कि जो मुस्लिम है किसका नाम ले रहे हैं महाराज। देखिए उस पर सबसे अच्छा बयान जो है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का आया है, उन्होंने कहा है कि क्या अलबल बोलते रहता है आदमी, लगता है इसको इसी के लिए रखा गया है। तो उस पर कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। देखिए कोई अगर गंभीर बात हो, देश के भीतर नीति से संबंधित कोई बात हो, योजना से संबंधित कोई बात हो, जिस मंत्री पद पे हो, उस मंत्रालय से संबंधित कोई बात हो, उसके संबंध में यदि कुछ बोलेंगे तो बोला जाएगा। उल जलूल वो कुछ भी बोलेंगे, कौवा कान लेकर के जा रहा है, कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे। हमको लगता है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और गंभीर बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलें, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।